हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉन्शन प्रियंका। आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखे तो पता चलेगा कि मैं मेरे पापा को लेके बेंगलुरु आई थी श्री सत्यसाई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने। ये पूरा हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट पे ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके ऊपर पूरा वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप चाहिए तो चैनल में देख सकते हैं। लेकिन मेरे पापा का एज 60+ होने के कारण वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं बेंगलुरु में एक और बहुत ही पॉपुलर हार्ट स्पेशल हॉस्पिटल श्री जयादेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल में लेके आई थी। श्री जयादेवा हार्ट हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन एशिया। श्री जयादेवा हॉस्पिटल का टोटल 3 ब्रांच है। हम लोग आए थे मेन ब्रांच बेंगलुरु में। अभी चलते स्टार्ट करने कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है। श्री जयादेवा हॉस्पिटल ओनली हार्ट स्पेशल हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पर आपको हार्ट के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। हार्ट के ऑल टेस्ट, ECG, ECO, को एनजियोग्राम, MRI, CT scan, उसके साथ बड़ा बड़ा ऑपरेशन लाइक ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास, पेसमेकर, और मेरा पूरा वीडियो आज फुल देखिए। मैं वीडियो के अंदर हार्ट के जितना भी टेस्ट और जितना भी सर्जरी होता है सबका कॉस्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी। छोटे बच्चे के लिए यहाँ पर अलग से एक डिपार्टमेंट है, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी बोल के अलग बिल्डिंग है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे के हार्ट का जितना भी प्रॉब्लम है सबका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए अब बताते हैं इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए कैसे यहाँ पर आएगी। बेंगलुरु से कोई देख रहे हैं तो मैं एड्रेस स्क्रीन में शेयर कर दूंगी, वो एड्रेस में आप लोग ओला, उबर, ऑटो से आ सकते हैं। और बेंगलुरु के बाहर से जो भी आएगी, जितने भी स्टेट से कंट्री से आना चाहते हैं, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है केआरपुरम एंड SMBT रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है बेंगलुरु एयरपोर्ट। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आप लोगों को ऑटो और टैक्सी मिल जाएगा, बुक करके आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं कि कहाँ पे हम लोग रुके, बिकॉज ट्रीटमेंट कराने के लिए 2-3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। इसलिए मैं स्क्रीन में कुछ होटल्स का फ़ोन नंबर और नाम शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ पर फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हैं। और मेरा पिछले वाला जो वीडियो दिए थे श्री सत्यसाई हॉस्पिटल के पास कादूगोदी में भी बहुत सारे गेस्ट हाउस लॉज है, आप लोग उस लॉज व गेस्ट हाउस को भी बुक कर सकते हैं, बिकॉज होटल का प्राइस ज़्यादा है, लॉज और गेस्ट हाउस में प्राइस कम पे कुकिंग करके आप लोग रह सकते हैं। और कादूगोदी से 1 ऑटो बस मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। स्क्रीन में OPD नंबर शेयर कर दूँ, उस OPD नंबर पे हम लोग फ़ोन किए थे बुकिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पता चला कि फ़ोन कोई भी बुकिंग वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मंडे टू सैटरडे के अंदर काउंटर में आके आप लोगों को OPD के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा। तो हम लोग एक दिन चूज़ किए और उसी दिन एकदम सुबह सुबह 7 बजे के अंदर हम लोग जयदेवा में पहुँच गए थे OPD के लिए टिकट करने के लिए। वहाँ पर 2 टाइप का टिकट मिलता है, एक इकोनॉमिकल टिकट जो है 80 रुपीज़ का, और एक 250 रुपीज़ का। हम लोग 250 रुपीज़ का टिकट खरीदे बिकॉज उसका लाइन थोड़ा कम था। तो वहाँ से टिकट खरीदने के बाद हम लोगों का टाइम हो गया 8 बज गया था, और OPD का जो पेशेंट देखना स्टार्ट होगा वो होगा 10 बजे। तो इसी दौरान हम लोग क्या किए, ब्रेकफास्ट करने चले गए। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा कैंटीन है, बड़ा भी है कैंटीन, तो वहाँ से हम पूरा एक मील लिए, जहाँ पर राइस, रोटी, दाल, सांभर, सब्जी था, तो इसका प्राइस था 120। उसके साथ डोसा भी लिए थे, डोसा का प्राइस था 50 रुपीज़। आप लोग यहाँ पर खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ जयदेवा के हॉस्पिटल के आसपास भी बहुत सारे छोटे रेस्टोरेंट है, नॉनवेज, वेज सब खाना मिल जाता है। खाना पीना करके हम लोग चले आए OPD की वेटिंग एरिया में। 10 बज गया था और पेशेंट दिखना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरे पापा के आगे कुछ पेशेंट था, इसलिए पापा का होते होते 11 बज गया। पहले जूनियर डॉक्टर पापा का चेकअप किए और वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिए कि कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, ECG, ECO और कुछ ब्लड टेस्ट। मैं स्क्रीन पे एक टेस्ट के चार्ट दे रही हूँ, वहाँ पर कितना पैसा लगता है सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैं इतना आप लोगों को बोल सकती हूँ कि यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, बस सर्जरी करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता। मेरे पापा का टोटल 1100 पड़ा था इको, ECG और ब्लड टेस्ट के लिए। यहाँ पर एंजियोग्राम का प्राइस है 7000, जहाँ पर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में 14-15 के लगता है। तो टेस्ट करने के बाद हम लोग चले आए वेटिंग एरिया में, बिकॉज आफ्टर टेस्ट 2-3 घंटा वेट करना पड़ता है रिपोर्ट्स के लिए। तो 2 बज गया था और तभी हम लोगों को पूरा सब कुछ का रिपोर्ट मिल गया था। फिर
उसके बाद हम लोग चले गए सीनियर डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए। तो सीनियर डॉक्टर पापा का सब कुछ रिपोर्ट्स देखा और देखने के बाद हम लोगों को समझाया कि पापा को एवीआरई करना है, ओपन हार्ट सर्जरी, एरोटिक वाल्व रिप्लेस। सो वहाँ से हम लोगों को बोला गया कि फाइनेंस के साथ बात करने, एस्टिमेट लेने के लिए कि कितना खर्चा होता है। मैं स्क्रीन पे यहाँ पर जितना भी सर्जरी होता है उन सबका चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। मेरे पापा को होगा हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, उसका कॉस्ट है 1 लाख। उसके साथ मैकेनिकल वाल्व का कॉस्ट ऐड होगा, उसके साथ ऐड होगा रूम का रेंट और हॉस्पिटल का एडिशनल चार्ज। तो टोटल जो हम लोगों को मिला तो टोटल खर्चा आ रहा था 3,50,000। पापा का जो बेड शेयरिंग था वो है इकोनॉमिकल। आप डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, वीआईपी बेड चूज़ करेंगे तो फिर वो पैसा ज़्यादा होगा। और जो पैकेज हम लोगों को मिला था वो है 10 डेज़ का पैकेज। उसमें एक दिन ओटी चार्ज, 2 दिन आईसीयू और बाकी जो दिन होगा वो नॉर्मल बेड चार्ज। सब मिला के ऑपरेशन, डॉक्टर फीस, मेडिसिन सब मिला के पैसा पड़ रहा था 3,50,000। इस हॉस्पिटल में एक और सुविधा है, आप लोग बीपीएल कार्ड होल्डर हो तो आप लोगों को 30% ऑफ मिलेगा जो एस्टिमेशन कॉस्ट होता है उसके ऊपर। और आप लोग को पैसा जमा करना प्रॉब्लम है, कुछ मजबूरी है, इनकम ज़्यादा नहीं है तो आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, वो लोग जितना हो सके आप लोग कम करने की कोशिश करता है। एस्टिमेशन कॉस्ट मिलने के बाद हम लोग फिर से सर्जन के पास गए थे ऑपरेशन का डेट लेने। तो उसी टाइम सर्जन ने डेट दिया जो था 3 मंथ्स के बाद, बिकॉज हम जो सर्जन से बात कर रहे थे उनका डेट एकदम ही नहीं था, 3 मंथ्स के अंदर कोई भी डेट नहीं था। जो भी डेट मिल रहा था 3 मंथ्स के बाद, तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जहाँ पर लिखा रहा था कि सर्जरी करना है उसके पास ही वो लोग लिख दिए थे, डेट मेंशन कर दिए थे। तो उन हॉस्पिटल का प्रोसेस यही है, जो डेट मेंशन किया जाएगा उसी डेट के एक दिन पहले हॉस्पिटल में आके एडमिशन करना है, पैसा भरना है, फाइनेंस क्लियर करना है, उसके बाद जो भी काम है वो हॉस्पिटल से किया जाएगा। तो हम लोगों का तो यही मन था कि इस हॉस्पिटल से ही पापा का ऑपरेशन किया जाए, बिकॉज ये हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है और टोटली ये हार्ट स्पेशल हॉस्पिटल है। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि डॉक्टर ने बार बार बोल रहा था कि पापा का कंडीशन थोड़ा सीरियस है, जितना हो सके जल्दी हम लोगों को ऑपरेशन करना है। इसलिए हम लोग पापा को ले कर फिर से बेंगलोर में एक बड़ा हार्ट हॉस्पिटल, नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस, बोमा संद्रा में गए। वहाँ से पापा को ट्रीटमेंट किया गया और नारायणा से पापा का ऑपरेशन भी हुआ। उस ऑपरेशन के बारे में और नारायणा के बारे में फुल डिटेल्स वीडियो में मेरे चैनल में देते रहूँगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इसी थ्रू मैं चाहती हूँ कि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन जाए, बिकॉज दिस इज़ अ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।